यहाँ पे देखें एजेसी ड्रॉप शिपिंग अकाउंट इज पेंडिंग। कितने बजे? रात के 1 बजे और यहाँ पे कुछ ही घंटे गुजरे हैं मेरे पास और यहाँ मेरा अकाउंट जो अप्रूव हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम यार, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि HSC जब से अपडेट हुआ है तो उन लोगों की थोड़ी सी पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो गई है, तो इजीली किसी के भी अकाउंट जो है वो अप्रूव करते नहीं है। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपने HSC का अकाउंट किस तरीके से अप्रूव करवाना है और क्या उसकी स्ट्रेटेजी है। श्योर करें, इस वीडियो को पूरा देखें और जो स्टेप बताए गए हैं उसको फॉलो करें। तो HSC में अकाउंट रजिस्टर्ड करने के लिए सबसे पहले आपने HSCDropshipping.com के ऊपर आ जाना है। सिंपली यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, पहले तो हम ये पर्पस समझ लेते हैं कि ये जो इन लोगों ने अप्रूवल स्ट्रिक कर दिया है, हर किसी का अकाउंट अप्रूव नहीं कर रहे, उसका रीजन क्या है। तो जब आप यहाँ पे रजिस्टर्ड के ऊपर आएंगे ना, आपको यहाँ पे 3 बॉक्सेस देखने को मिलेंगे। पहले बॉक्सेस में ये पूछ रहे हैं कि इन शिपिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस व्हाट आर द रोल ऑफ अ ड्रॉपशिपर कुरियर कंपनी ऑफ HSC ड्रॉपशिपिंग टू अचीव हायर रेशो। और इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हमने जो है वो कॉपी पेस्ट अवॉइड करना है और AI आंसर जो है वो अवॉइड करना है, आपने अपने दिमाग से देना। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें ये आपसे पूछ रहे हैं कि शिपिंग और डिलीवरी के, मतलब शिपिंग या डिलीवरी के प्रोसेस के लिए ड्रॉपशिपर कंपनी कुरियर कंपनी का क्या रोल है हायर डिलीवरी रेशो अचीव करने के लिए। तो इसमें ना पहली चीज ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि जो भी लोग ड्रॉपशिपिंग की तरफ आते हैं ना, वो क्या करते हैं, बस उन्होंने एक प्रोडक्ट उठा के लगा दी और टिकटॉक या किसी भी प्लेटफॉर्म पे एड्स चला दिए, 50-60 ऑर्डर उठा लिए, 50 के 50 ऑर्डर यहाँ पे आके HSC को पेश कर दिए। वो लोग समझते हैं कि यार 50 में से जो है वो 30 डिलीवर हो जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, रिटर्न के पैसे तो देने ही नहीं है, जो रिडक्शन होगी वही होगी। तो इसमें जो दूसरी कंपनीज है उनका लॉस होता है, इसलिए इन लोगों ने जो है वो इस चीज को हार्ड कर दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया है कि जिसको ड्रॉपशिपिंग की सेंस होगी ना, सिर्फ उसी का अकाउंट जो है वो ये अप्रूव करेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें हमने बहुत केयरफुली जो है वो इसको लिखना है। तो सबसे पहले जो उन्होंने सवाल ये पूछा है कि डिलीवरी के प्रोसेस के लिए कुरियर कंपनी और ड्रॉपशिपिंग कंपनी का क्या रोल है डिलीवरी रेशो जो है वो अचीव करने की, हायर डिलीवरी रेशो अचीव करने के लिए। तो इसके अंदर पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब हमारे पास ऑर्डर जनरेट होता है तो कस्टमर से कंफर्मेशन करना, कस्टमर को ये चेक करना कि वो मैच्योर है कि नहीं है, कस्टमर से जो है वो कंप्लीट डिटेल लेना, ये सेलर का काम है, ये ड्रॉपशिपिंग कंपनी का काम नहीं है। आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने ये सारी चीजें खुद करनी है। इनका पूछने का मकसद ये है, अगर कोई यहाँ पे जिस बंदे को ड्रॉपशिपिंग की नॉलेज नहीं होगी, वो यहाँ पे आके कुछ भी लिख देगा कि ड्रॉपशिपिंग कंपनी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इससे जो है वो अच्छा रेशो मिलेगा, तो ड्रॉपशिपिंग कंपनी उसका अप्रूवल रिजेक्ट कर देगी। उसका रीजन यह है कि ये काम ड्रॉपशिपिंग कंपनी का नहीं है, ड्रॉपशिपिंग कंपनी का काम यह है सिर्फ और सिर्फ आपके पार्सल, आपने जो डिटेल दी हुई है उसको, पार्सल को उठा के कस्टमर के घर तक पहुंचाना। अब वो मैच्योर है नहीं है, कस्टमर जो है वो सीरियस है कि नहीं है, उसका एड्रेस ठीक है कि नहीं है, वो आपका काम है, इसमें हम वही लिखेंगे। अच्छा, उससे पहले जो है वो हम ये फिल कर लेते हैं, अंदर आपने अपना नाम डाल देना है पहले, यहाँ से जीमेल आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो कि आपकी एक्टिव जीमेल हो, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे दोबारा आपने अपना कंफर्म पासवर्ड डालना है, यहाँ पे आपने अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है जो कि आपका एक्टिव नंबर होगा, उसके बाद आपने यहाँ पे आके जो है वो उसको फिल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इन डिटेल लिख दिया है। अच्छा, इस पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखा है कि जो ड्रॉपशिपिंग और कुरियर कंपनी है उसका रोल है सिर्फ कस्टमर को दिए गए एड्रेस के ऊपर डिलीवर करना। अगर मुझे हाईएस्ट डिलीवरी रेशियो को अचीव करना है तो मुझे कस्टमर को कॉल करनी पड़ेगी, उससे ऑर्डर को कंफर्म करना पड़ेगा, उसको हर तरीके से गाइड करना पड़ेगा और उसको अपडेट करते रहना पड़ेगा जब तक वो पार्सल उस तक पहुंच ना जाए। इससे ये होगा कि जो HSC ड्रॉपशिपिंग वाले हैं वो ये देखेंगे और वो ये समझेंगे कि बंदा जो है वो पहले से काम करता हुआ आ रहा है, इसको ये पता है कि ड्रॉपशिपिंग कंपनी का काम ना ही आपका ऑर्डर कंफर्म करना है, ना ही आपके कस्टमर को कॉल करना है बार बार, ये सारा काम आपने खुद करना होगा। ड्रॉपशिपिंग कंपनी का काम ये है कि आपका पार्सल उठा के डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस तक पहुंचा दिया जाए। तो जब वो ये आपका जवाब पढ़ेंगे तो वो खुद ही आपके इस जवाब को अप्रूव कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ फेल्ड और लेट डिलीवरी हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट द एक्चुअल कॉज रीजन। यहाँ पे इन्होंने फिर से मेंशन किया हुआ है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है और AI से जवाब लिख के नहीं देना है। तो यहाँ पे आपने इनको बताना है कि अगर डिलीवरी लेट हो जाती है या फेल हो जाती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आ गया है, इसमें हमने ये लिखा है कि जो फेल डिलीवरी है उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी मार्केटिंग के अंदर जो है वो मेजर सिटीज को टारगेट करेंगे जहाँ पे कुरियर कंपनी इजीली डिलीवर कर सके अपने पार्सल को। तो यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं ना उस चीज को आप फॉलो भी करें, क्योंकि अगर बाद में कोई भी इशू बनता है तो कुरियर कंपनी जो है वो आपको आपका ही फॉर्म दिखा
देगी कि आपने जो है वो यहाँ पे ये कहा था कि आप इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो आपको ये चीज जो है वो खुद करनी है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि मैं मेजर सिटीज को टारगेट करूंगा जहाँ पे कुरियर कंपनी पार्सल को इजीली डिलीवर कर सके। उसके बाद लेट डिलीवरी के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं पार्सल जो है वो, अगर मुझे पता चलेगा कि मेरा कोई पार्सल जो है वो लेट डिलीवर होगा, पहले तो मैं उसका या तो टिकट सबमिट करूंगा या तो मैं मैनेजर से कॉन्टेक्ट करूंगा उस पार्सल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उसके बाद मैं कस्टमर को इन्फॉर्म कर दूंगा। उससे क्या होगा, कस्टमर को पता चल जाएगा कि मेरा पार्सल जो है वो लेट होने वाला है, तो वो पहले से जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा। तो हम अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्लीज एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ आर यू प्लानिंग टू रन योर ई कॉमर्स बिजनेस विद HSC ड्रॉप शिपिंग। इन्होंने फिर यहाँ मेंशन कर दिया है अवॉइड कॉपी पेस्ट एंड AI आंसर। हम यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है। अच्छा ये पूछ रहे थे कि आप अपना स्टेप बाय स्टेप प्लान बताएं कि आप किस तरीके से ई कॉमर्स बिजनेस रन करेंगे HSC के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सबसे पहले मैंने वेबसाइट बना ली है। वेबसाइट का लिंक मैंने URL मैंने यहाँ डाल दिया है। वेबसाइट का जो भी डोमेन नेम है मैंने यहाँ डाल दिया है। वेबसाइट के बाद जो है HSC के पोर्टल पर से कोई एक प्रोडक्ट को पिक करूंगा। उसके बाद उसको एनालाइज करूंगा कि वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर उसका ट्रेंड है, उसकी डिमांड है। जब मैं उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा, फिर मैं उसका स्टॉक जो है वो HSC से कंफर्म करूंगा कि HSC के पास इसका स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद मैं उसके ऊपर एड्स रन करूंगा। जब मुझे ऑर्डर रिसीव हो जाएगा तो मैं कस्टमर से कंफर्म करूंगा। ऑर्डर के बाद कस्टमर की डिटेल्स लूंगा। फिर मैं ये चेक करूंगा कि कस्टमर का सिटी कोई ऐसा सिटी तो नहीं है जहाँ पे डिलीवरी मुश्किल हो सकती है या फेल हो सकती है। जब मैं सब चीजें चेक कर लूंगा, उसके बाद जाके मैं HSC के होटल के ऊपर उसका ऑर्डर जो है वो सबमिट करूंगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो आपने उनको ये बताना है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप हर चीज को चेक करके भेजेंगे अगर आपने ऑर्डर जो है वो तो सबमिट करा। ठीक हो गया, लेकिन आपने सेम चीज अपने अल्फाज में लिखनी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना और AI बेस्ड नहीं लिखना, तो आपने सेम चीज लिखनी है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये असल में ये आपसे पूछ रहा है क्या चाह रहे हैं, तो आपने इनको बोलना क्या है। आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं या आप इसको जो है वो मेरे ही कॉन्टेंट को कॉपी करके उसको रीफ्रेश भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी बाकी डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपने CNIC नंबर डालना है, यहाँ पे CNIC की फ्रंट पिक्चर डालनी है, बैक पिक्चर डालनी है, या बैंक अकाउंट बैंक नेम आपने सेलेक्ट करना है, जो बैंक का आपका टाइटल है अकाउंट का वो लिखना है, यहाँ पे IBN नंबर लिखना है। तो ये सारी चीजें मैं जो है वो सबमिट करके उसके बाद बताता हूँ। अच्छा, ऊपर जो है वो मैंने सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स को पुट कर दिया है। उसके बाद जो है वो मैं सिंपली नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे टिक करूंगा और रजिस्टर्ड के बटन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास ये थैंक यू पेज ओपन हो जाएगा। थैंक यू पेज में आपको ये कह रहा है कि 2 से 3 वर्किंग डेज आपको लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो एक से दो दिन के अंदर आपका ये इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। तो ये के टाइम हमने जो है वो रिक्वेस्ट को सबमिट किया था और अभी जो है वो पैर के 3 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे HSC की तरफ से अप्रूवल ईमेल रिसीव हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे देखें HSC ड्रॉप शिपिंग अकाउंट इज पेंडिंग। इतने बजे रात के 1 बजे और यहाँ पे कुछ ही घंटे गुजरे हैं मेरे पास और यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है वो अप्रूव हो चुका है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप जो है और देख के चीजों को फिल करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपका अकाउंट अप्रूव होने में। तो देखिए क्या कह रहा है, थैंक यू फॉर साइन अप, योर अकाउंट इज नाउ अप्रूव ऑन टेस्ट पीरियड ऑफ 30 डेज। ये टेस्टिंग पीरियड होगा, ऐसी बात है 30 दिन ही आपको टेस्ट करेंगे। अगर आप ही काम कर रहे हो तो ये 30 दिन तक आपका अकाउंट एक्टिव रखेंगे। अगर आप इस पर एक्टिविटी नहीं शो करेंगे तो आपका अकाउंट वापसी बंद कर देंगे। यहाँ पे ये कह रहा है लॉग इन टू आवर साइट। यहाँ पे हम लॉग इन करके भी देख लेते हैं कि लॉग इन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे डिटेल और आईडी पासवर्ड डाला हुआ। यहाँ पे मैं सिंपली लॉग इन के ऊपर क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ कि अकाउंट जो है वो लॉग इन हो रहा है कि नहीं हो रहा। एज यू कैन सी अकाउंट लॉग इन हो चुका है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है आप वही चीज लिखें। आपको मैंने तरीका बता दिया कि आपने इनको बोलना क्या है, आपने इसमें लिखना क्या है। आप उस मेथड को फॉलो करेंगे अगर तो आपका इजीली अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाएगा। मजीद इस तरीके का कंटेंट अगर आपने देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कि कोई भी क्यूरी है या अगर आप कोई टॉपिक जो है वो कवर करवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।